ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया, एक बार आप लोग कंफर्म करो। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? हाँ हाँ सर, दिखाई दे रहा है। यस सर, विजिबल है कंप्लीट। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस वगैरह ना हो और हमारा जो क्लास है वो सही तरीके से चलता रहे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स चल रहा है बैच 13। इससे पहले हम लोगों ने बैच 1 से लेकर बैच 12 तक सारे चीज़ों को ऑलरेडी कम्प्लीट कर लिया है। बैच 13 में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें स्टार्ट किया था, टेक्निकल एनालिसिस समझा था, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें सीखनी होती हैं अगर हम नॉर्मल अगर ट्रेड करना स्टार्ट करें तो। बेसिक चीज़ें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हो तो आपको ये सब चीज़ें तो पता ही होना चाहिए अगर आपको ट्रेड करना है मार्केट में तो। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा था क्या पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का कॉन्सेप्ट, कि पास्ट प्राइस क्या होता है, फ्यूचर प्राइस क्या होता है और हम लोग कैसे पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट या फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते थे। उसके बाद हम लोगों ने सीखा ट्रेंड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में ट्रेंड तीन तरीके का होता है, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता था, मार्केट कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा था। डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे जा रहा था। और एक था साइडवेज ट्रेंड, जो प्रीवियस हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा, प्रीवियस लो भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो सारे लेक्चर्स को जाकर आप देख सकते हो। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, चार्ट पे हम किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के बाद हम लोग किस तरीके से उस पर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सप्लाई एंड डिमांड भी सीखेंगे। जब हम यह बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग सीखेंगे कैंडल स्टिक्स, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, एडवांस कैंडल स्टिक्स उसके टाइप्स, चार्ट पैटर्न उसके टाइप्स, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। देन हमारा थोड़ा एडवांस लेवल का प्राइस सेक्शन स्टार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग, जिसके बेस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। वो चीज़ें क्या होती है वो मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम लोग सिर्फ उस पर ही रहते हैं और हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही अभी सीखते हैं। जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख जाएंगे फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और पूरा क्रैश कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग मुझे ये चीज़ क्लियर कर दो कि जो भी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया पास्ट के दो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया, ये सब लोगों को क्लियर है? यस और नो? क्लियर सर। यस सर। सब लोगों को? यस सर। ओके ओके, ग्रेट। ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट आपको मैं चार्ट पे ले आता हूँ और मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को चार्ट पे ही एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें जो है ना बेटर तरीके से समझ में आए। जब मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर लिया था आप लोगों का, तो आप लोगों को एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट सिखाया था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का। उसमें क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जहाँ से ही मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है उसको आप एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर दो, इसके अलावा आपको चार्ट पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ पे इस लाइन को मार्क कर दिया। क्यों मार्क किया इसको, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरा था, इस वजह से हमने इसको क्या किया, मार्क किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि जब कभी भी प्राइस वापस इस लेवल के पास जाएगा, वापस इस लेवल के पास जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम यहाँ पे जब कभी भी मार्केट दूसरी बार इसके पास जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे का ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पे हम नीचे का ट्रेड कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज पास्ट में हमने देखा है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ एक बार आया तो अभी भी वापस यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ये चीज़ें हम लोगों ने देखा और इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नीचे का ट्रेड करेंगे। तो आप हमेशा याद रखना कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना वो एक सिंपल सा क्या होता है ना, एक रुकावट होता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो उसको वहाँ पर रोकेगा, अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है तो कोई एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे मार्केट रुकेगा, वो लगातार नीचे की तरफ नहीं जाता रहेगा या लगातार ऊपर की तरफ नहीं जाता रहेगा, वो एक जगह जाकर रुकेगा और वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा अब छोटे समझाता हूँ, उसको आप ध्यान से समझना। मान लो कि यहाँ से मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ गया, ठीक है,
यहाँ तक गया। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से मार्केट गिर गया, तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट जगह है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस पे क्या होता है, जो ना मैक्सिमम टाइम वहाँ पे सेलर होते हैं, अब रेजिस्टेंस से ही मार्केट हमेशा नीचे की तरफ आता है। अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हो या कहीं पे भी हो, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, रूम में ही बैठे हुआ, आपके हाथ में अगर कुछ दे दे, अगर आपको हाथ में बॉल दे दे, अब जब उसको ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, अगर आप पूरा ताकत लगाकर भी फेंको तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, जो ऊपर आपका छत है वहाँ तक जाएगा, छत से टकरा कर फिर वो क्या होगा, वापस तो नीचे की तरफ ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये आपका छत है, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका छत है, और आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप यहाँ पे क्या हुआ, मान लो कि अभी बैठ के आप यहाँ पे क्लास ले रहे हो, अब अगर आप यहाँ से कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ये मैक्सिमम छत तक जाएगा और छत से टकरा कर क्या होगा, वापस से नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है इस चीज़ को टच करने के लिए, तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे सेलर बैठे होते हैं और वहाँ से मार्केट क्या होता है, हमेशा नीचे की तरफ जाता है, हमेशा नहीं मैक्सिमम टाइम नीचे की तरफ जाता है। ओके, इसका ठीक एक अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं हम सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या होता है, अगर आप रूम में ही बैठे हो, कोई भी चीज़ को अगर नीचे की तरफ फेंकोगे, बॉल को ही मान लो, तो वो क्या हो सकता है, वो मैक्सिमम जहाँ पे आपका ज़मीन है उससे टकराएगा और वापस से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि ये आप क्या है, ये आपका सब ये आपका ज़मीन है, ठीक है, ये फॉर एन एग्जाम्पल आपका क्या है, ज़मीन है, ठीक है, और आप कहाँ पे हो, आप इस जगह पे खड़े हुए हो, आप यहाँ पे क्या हुआ, खड़े हुए हो, करेक्ट, समझो कि आप यहाँ पे, ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ठीक है, मान लो ये कमल जी है, ठीक है, अब कमल जी यहाँ पे खड़े हुए हैं और कमल जी अगर ऊपर से कोई भी चीज़ को फेंकेंगे, बॉल को, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम नीचे की तरफ कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, वापस से प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ से टकराने के बाद ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, तो यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिल रहा होगा, तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट का लेवल। अब अगर ऊपर से मान लो कि वापस से प्राइस क्या हुआ, घूमते फिरते नीचे की तरफ आ गया इसी जगह पे, तो यहाँ से फिर प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ से ऊपर जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि पास्ट में एक बार यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। ये सिंपल सा प्राइस सेक्शन आपको फॉलो करना है, इसको थोड़ा सा आप डीपली समझना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब अगर ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो वो कहीं पे ना कहीं पे रुकेगा, वो कहाँ तक रुकेगा, वो सपोर्ट पे जाकर रुकेगा। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वो कहाँ तक जा सकता है, रेजिस्टेंस तक जा सकता है, वहाँ जाकर वो रुकेगा। अभी मैं आपको इसका पूरा एग्जांपल चार्ट पे भी सिखाऊंगा, चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है, अब आप यहाँ पे खड़े हो, अब फॉर एन एग्जांपल मान लो अब आपके पास दो रास्ता है, या तो ऊपर जाना या तो नीचे जाना, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो मैक्सिमम कहाँ तक जाओगे, इस रेजिस्टेंस तक जाओगे, और यहाँ से फिर नीचे गिरोगे। क्यों यहाँ से नीचे गिरोगे, बिकॉज ये आपके लिए क्या है, छत है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। अगर ऊपर से आप क्या करते हो, यहाँ से बीच में से आप क्या करते हो, नीचे की तरफ आते हो, अगर आप यहाँ तक आ रहे हो तो यहाँ से आने के बाद क्या होगा, आप वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे, बिकॉज ये आपका एक सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाओगे क्योंकि यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, और ये जो होता है ना हमेशा करेंट प्राइस, जहाँ पे आप करेंट में खड़े हो ना, इसके ऊपर रेजिस्टेंस होगा, और जहाँ पे आप करेंट में खड़े हो उसके नीचे आपका क्या होगा, सपोर्ट होगा। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आप जहाँ पे भी खड़े हो, आप यहाँ पे रहो, आप यहाँ पे रहो, आप यहाँ पे रहो, कहीं पे भी रहो, जहाँ पे भी आप करंट खड़े रहे हो उसके ऊपर रेजिस्टेंस, उसके नीचे सपोर्ट, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें जो है ना और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मान लो कि ये हमारा चार्ट है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, चार्ट है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभी देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब आप चार्ट पे सही तरीके से मार्क करोगे तभी आप सही तरीके से ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर पाओगे। अगर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही सही तरीके से मार्क नहीं है तो आप सही से कभी भी ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट नहीं कर पाओगे और आपको मैक्सिमम टाइम लॉसेज होगा। जैसे कि कल रात में मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का चार्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके भेजा था। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और उसको मैं किस तरीके से मार्क करता हूँ। आपको मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक मिनट।
अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार करके आप लोगों को भेजा था, ठीक है। अगर आपने ये देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये किस तरीके से मार के, अब जैसे देखो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का चार्ट पे मैंने एक दिन पहले ही एक ये लेवल मार किया था और दूसरा मैंने ये लेवल मार किया था 49,620 से लेकर 49,666 का, ठीक है। 49,622 49,666 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि एक हमारा रेजिस्टेंस है। अब ये हमें क्यों मार किया, यहाँ पे एक फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल था इस वजह से मैंने इसको मार किया, ठीक है। और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, तो ये भी मैंने मार करके ग्रुप में भेजा था, कितने बजे, 9:16 पे पी एम है, मतलब रात में भेजा था। यहाँ पे एक सिंपल सा हार्मोनिक का पैटर्न भी लग रहा है। अब यहाँ पे ये हार्मोनिक के पैटर्न्स के बारे में आपको उतना आइडिया नहीं है, तो वो चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा, तब तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये काम करता है। बस समझो एक्स ए बी सी डी, यहाँ पे जब कभी ये मार्केट जाता है ना, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने भेज दिया। अब जैसे मैंने ये चीज़ यहाँ पे भेजा तो मैंने लिख दिया बैंक हार्मोनिक बैट पैटर्न, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट में इसका क्या रिएक्शन आया वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब बस देखना कि वो किस तरीके से काम करता है और वो किस तरीके से हमारे लेवल्स को फॉलो करता है। जब तक आप वो चीज़ें नहीं सीखोगे आपको कोई भी चीज़ की क्लियरिटी नहीं मिलेगी। धीरे धीरे मार्केट क्या हुआ, यहाँ से जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहीं पे मार्केट क्लोज था तो मैंने मार्क करके भेजा था, आज के दिन धीरे 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 मार्केट यहाँ पे गया। अब जब तक इसको टच नहीं करेगा तब तक मार्केट नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, बिकॉज वही हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब आप इसको वापस से देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पे अपडेटेड चार्ट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो मार्केट ने इसको टच कर दिया। अब जैसे मार्केट इसको टच किया तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है ना, और रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम सेलर बैठे होते, तो रेजिस्टेंस से क्या होता है मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ही गिरा था और ये लेवल मैंने एक दिन पहले ही मार्केट के भेजा था, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये लेवल फाइंड किया था ये 0.88 के लेवल के हिसाब से। तो वो आपको सिखा दूंगा मैं वो किस तरीके से मारा। मैंने यहाँ पे लिखा था वेट फॉर प्रॉपर रिवर्सल कैंडल स्टिक्स, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पूरा अपसाइड था, तो आंख बंद करके ट्रेड में एंट्री नहीं करना होता है, प्रॉपर हमें वेट करके वहाँ पे ट्रेड में एंट्री करना होता है। अब जैसे देखो अपडेटेड चार्ट मैंने भेजा, मार्केट ने इसको टच किया, फिर यहाँ से अब थोड़ा सा रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया टॉप से। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नाउ बुलिश ओनली अबव ऑल टाइम हाई, तो बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है ना, अब जब तक मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट बुलिश नहीं होगा। और उसके मैंने क्या लिखा, अदरवाइज डाउन, मैंने लिख दिया 1:54 पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट खोलना और बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेना, आपको पूरा वहाँ पे मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी 1:54 के बाद मार्केट में क्या रिएक्शन आया। मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, अपडेटेड चार्ट मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट इसको टच किया और यहाँ से फॉल कर गया। जैसे देखोगे तो लास्ट मतलब 3 दिनों से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, 4 दिनों से, और उसके बाद जैसे मार्केट इसको टच किया और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, शार्प फॉल किया। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा कि परफेक्ट जो हमारा लेवल था जो हम 4 दिनों से फॉलो कर रहे थे, मार्केट ने उसको प्रॉपर फॉलो किया और यहाँ से मार्केट फॉल किया। तो इस लेवल का आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना होगा एक बार में, और देखना होगा कि जब मैं जो लेवल को मार्क कर रहा हूँ क्या मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। जब आपके लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दे, समझ जाओ कि आप परफेक्ट रास्ते में हो। अगर आपका वो रास्ता ही मतलब आपने जो लेवल को मार किया मार्केट उसको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, उसको तोड़ के ऊपर जा रहा है, उसको तोड़ के नीचे आ रहा है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो रही है मार्केट है, मतलब आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गलत है। अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है इट मीन्स कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस परफेक्ट है। वो एक बार में नहीं होगा लेकिन करते 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 एक टाइम के बाद वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं अभी आपको यहाँ पे मार्क करने का सिखाऊंगा, तो उसको आप ध्यान से सीखना, ठीक है। अभी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया सिंपल सा बेसिक चीज़ें बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, अब मैं उसका प्रॉपर प्रैक्टिकल करके यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ों को हमें देखना होता है अगर हम कोई भी चार्ट को खोलकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना स्टार्ट करें। तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आपको नॉर्मल सा इंट्राडे ट्रेड भी करना है ना तो क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है वो मैं भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बट वो चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले आप लोग मुझे ये चीज़ क्लियर कर दो कि जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बेसिक्स बताया ये क्लियर है सब लोगों को, यस और नो, एक बार प्लीज बोलिए। यस सर, क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। 40 लोगों क्लास में आवाज आती है, 4 लोगों की, बाकी लोग सो रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था, आपने जो सिखाया वो तो बराबर समझा, बट एक चीज है उसमें, ये जो आप व्हाट्सएप का ग्रुप दिखा रहे थे ना उसमें मैं शायद ऐड नहीं हूं। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे जो है ना आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई मैसेज भेज देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। और जिनको ग्रुप में ऐड नहीं हो वो बस 9341309652, ठीक है, इस पर एक हाई मैसेज डालना और बोलना कि सर ग्रुप में ऐड कर दो,
मैं ऐड कर दूंगा। सर यस्टरडे आई मिस क्लास, प्लीज शेयर द लिंक फॉर यस्टरडे। गोबिंद जी आपको भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो आप। आप मेरे को हाई मैसेज डाल देना इस नंबर पे, लिंक दे दूंगा, या यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग प्रॉपर समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, कि एक्जैक्टली किस तरीके से मार्क करते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग फोकस के साथ देखना, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको नोट जरूर करना। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम पे, ओके। अब आप यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी चार्ट को खोल रहे हो और उस पर आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, तो जो सबसे पहला स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, वो ये है कि आप चार्ट को क्या करो, डायरेक्टली डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करूँगा, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेंज किया, अब आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है, मार्केट क्या कर रहा है और मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब जब आप इस चार्ट को देखोगे, तो कल के लेक्चर में मैंने आपको ट्रेंड सिखाया था ना, कि ट्रेंड कैसे पता करते हैं। आपको पता होगा मार्केट ऊपर की तरफ गया, यह मार्केट ने हाई बनाया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा, फिर मार्केट ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा। तो मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अब वो स्ट्रक्चर आप में से कोई एक बंदा एक्सप्लेन करो कि मार्केट कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है और मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में एक घंटे में यही सिखाया था। लॉजिक बताओ, अप ट्रेंड में क्यों है, क्यों है अप ट्रेंड में? वो हायर हाई जो प्रीवियस लो को ब्रेक करके कंटीन्यूअस ऊपर जा रहा है। ठीक है सर, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। हाँ, प्रीवियस लो को यस एग्जैक्टली प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा, और वो क्या कर रहा है, प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है। तो जैसे जैसे मेरी प्रीवियस हाई कर रहा, तो वो हमारा क्या हो रहा है, हायर हाई बन रहा है। तो इसलिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है। बहुत बढ़िया, मतलब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर है। अभी आपको यहाँ पे सीखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमें एक चीज़ समझ में आया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब अगर हम ट्राई करें ट्रेड करने की, तो हम मैक्सिमम ट्रेड जो है ना ट्राई कर सकते हैं कि अप साइड में ही लें। लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, हम आवर्ली टाइम फ्रेम का भी अभी ट्रेंड देखेंगे। बट जब आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, तो जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो ना, सबसे पहला जो आपका फोकस जाना चाहिए, सबसे पहला जो फोकस आपका जाना चाहिए, वो जाना चाहिए इस करेंट प्राइस पे। करंट प्राइस पे ही आपका मेन फोकस जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका करंट प्राइस है, करंट प्राइस बैंक निफ्टी का क्या है, 49,281। इट मीन्स कि अब जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा कहाँ होगा, आपके ऊपर होगा ना। मैंने आपको क्या बताया कि रेजिस्टेंस हमेशा आपके ऊपर होता है और सपोर्ट हमेशा आपके नीचे होता है। तो अगर ये मेरा सर है, तो सर के ऊपर छत है, छत हमारा रेजिस्टेंस होगा, और नीचे क्या है, जमीन, जमीन हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है, तभी हम उसके सपोर्ट पे खड़े हुए हैं। तो हमेशा क्या होगा कि आपको करंट प्राइस देखना, और करंट प्राइस के ऊपर आपका रेजिस्टेंस होगा, और करंट प्राइस के नीचे आपका क्या होगा, सपोर्ट होगा। अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारे को डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतना यूजफुल नहीं होता है। फिर भी हम यहाँ पे एक देख लेंगे और मार्क करके रखेंगे, कभी ना कभी तो उस लेवल के पास जाएगा ही जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा करंट प्राइस है, ओके। हमने करंट प्राइस देख लिया, अब हम करंट प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। तो रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, कि एक ऐसा लेवल जहाँ से मार्केट नीचे आया हो। तो जब आप करंट प्राइस देखोगे, जब आप ये करंट प्राइस देख रहे हो, तो अब इसके पास्ट में आपको देखना है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में तो हम पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर ही ना प्रेजेंट का या फ्यूचर का प्रेडिक्ट करेंगे। अभी अगर हम प्रेजेंट का फ्यूचर कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट का हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो पास्ट में हम एक ऐसा लेवल फाइंड करेंगे जहाँ से प्राइस क्या हो, नीचे आया हो, और अगर वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, इट मीन्स कि वो हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर आप पास्ट में देखोगे, तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट जगह है, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस लेवल को मार्क करते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने मार्क किया, अब ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। करंट प्राइस के हिसाब से ये हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्ट ढूंढेंगे। अब सपोर्ट का क्या मतलब होता है, हम एक ऐसा लेवल ढूंढेंगे पास्ट में जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया हो। तो जब आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया है, मतलब ये हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इट मीन्स कि ये हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। तो हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल को भी मार्क करके रखेंगे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इस लेवल को भी मार्क कर सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने अभी क्या किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया,
ठीक है ओके जब आप डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लो, उसके बाद क्या करो, आप अपने चार्ट को आवरली टाइम फ्रेम पे चेंज करो। ये आपका दूसरा स्टेप है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज कर देता हूँ। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज करने के बाद अब जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो या इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो मैं उसको मार्क करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वापस से आता हूँ। अभी भी वापस से आपको ध्यान रखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए फिर आपको यहाँ पे करेंट प्राइस पे ही आपका फोकस जाना चाहिए। अब आपका करेंट प्राइस ये है 49,282, ये आपका करेंट प्राइस है। तो करेंट प्राइस के पास्ट में देखना है कौन एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया हो, और करंट प्राइस के पास्ट में देखना है कि कौन ऐसा एक लेवल हो जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया हो। करेक्ट। तो जब आप करंट प्राइस को यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि करंट प्राइस ये हमारा है और पास्ट में ये एक ऐसा जगह है जहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया है। करेक्ट। तो जो हमारा हाई है वो हमारे लिए क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल होगा। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैक्सिमम लोग आपको नहीं बताएंगे बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो ये है कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको लेवल मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये मार्क करना बहुत ईजी है। मतलब एक बार जो सीख गया वो मार्क कर लेगा, कोई उसके लिए उतना भारी चीज़ नहीं है ये। लेकिन इसको ट्रेड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब रेजिस्टेंस के पास जाएगा वहाँ पे पुट को बाई करना, सपोर्ट के पास जाएगा वहाँ पे कॉल को बाई करना, फिर ट्रेड में एंट्री बना के रखना, फिर प्रॉफिट बुक करना, फिर स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस पे पोजीशन को कट करना, ये जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। वो जितना आसान दिखता है उतना आसान रियल मार्केट में वो चीज़ें होता नहीं है। साइकोलॉजी का गेम आता है, ठीक है, ग्रीड आएगा, फियर आएगा, वो सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। तो लेवल मार्क करना बहुत आसान है, उस पर ट्रेड करना बहुत टफ है। तो जितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ इतना आसानी है नहीं इस पर ट्रेड करना। तो आपको उस हिसाब से आपको अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है कि सीखने के बाद उस पर आपको प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी के साथ करना है, तब जाकर आप उसमें एक सही तरीके से ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर पाओगे। ठीक है, लेवल तो कोई भी मार्क कर लेगा लेकिन उस लेवल को एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा करेंट प्राइस है। अब इसके पास्ट में देखें कहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से मार्केट नीचे है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल को यहाँ पे मार्क करके रखेंगे। तो आवरली टाइम फ्रेम पे हमने क्या करा, आवरली टाइम फ्रेम पे हमने एक इम्पॉर्टेंट लेवल को मार्क किया जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज आवर रेजिस्टेंस ऑन आवरली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब हम पास्ट में देखें कि कहाँ कौन ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया। अब आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन आप जब पास्ट में देखोगे कि ये जो आपका लो पॉइंट है, ये जो आपको दिख रहा है ना लो पॉइंट है, ये हमेशा जो भी आपका डे लो होता है वो एज अ सपोर्ट का काम करता है मार्केट में। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मार्केट गैप अप खुला है तो जो हमारा लो पॉइंट है वो एज अ सपोर्ट मार्केट में काम करेगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लेवल को मार्क करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा डे लो है ये वाला कैंडल 10:09:15 का, ये हमारा डे लो है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सपोर्ट है। तो आवरली टाइम फ्रेम पे हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर ली और हमने डेली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। जब आपने आवरली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको चार्ट को क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करना है। ठीक है, जो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम क्या करते हैं ना कि हम सारे टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं और ट्रेंड को एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत जरूरी है हमें करना। हम 5 मिनट में एंट्री करें हमें पता ही नहीं कि आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, हमें पता ही नहीं है डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, हमें पता ही नहीं कि आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो आपके ट्रेड जो है ना मैक्सिमम टाइम गलत जाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, दोनों टाइम फ्रेम पे, तीनों टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है, हमारे को ट्रेंड पता करना है, फिर जाकर आपकी ट्रेड जो होगी ना वो अच्छी होगी। तो अभी हमने क्या करा, आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया। अब आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया, अब आपको करना है चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज। जैसे आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को चेंज कर दिया, अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल मिल जाएगा जो आपका एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करेगा। अब जब कभी भी मार्केट क्या होगा, इसको आप ध्यान से समझना। अभी मैं यहाँ पे आपको साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको सप्लाई एंड डिमांड भी सिखा दूंगा ताकि आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर तरीके से जोन मार्क किया। अब ये जो हमारा जोन है ना इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। और डिमांड जोन में पता है कौन बैठे होते हैं, डिमांड जोन में बैठे होते हैं बायर। कौन बैठे होते हैं, बायर। जैसे भी जब कभी ये मार्केट इस लेवल के पास आएगा ना तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा।
क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब जैसे आज का ही चार्ट आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, हमने डे लो को मार किया, वापस जब मार्केट इस लेवल के पास आया तो एग्जैक्टली इसको टच किया 3 बजे और यहाँ से मार्केट 250-300 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गया, करेक्ट, तुरंत यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। तो ये हमारे लिए क्या था, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, ओके। और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, वहाँ पे हमेशा क्या होता है, सप्लाई होता है। वहाँ पे कौन बैठे होते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं सेलर लोग। कौन बैठे होते हैं, सेलर लोग। और अभी जो मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं इसी लेवल को कल के ट्रेड में फॉलो करने वाला हूँ, और उस पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो तो मैं आपको डेली बेसिस पे ग्रुप में शेयर करता ही हूँ, कल भी मैं आपको शेयर करूँगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, 1% का चेंज नहीं होगा, कल भी यही सेम चार्ट रहेगा, इसी चार्ट पे मैं ट्रेड में एंट्री करूँगा। लॉस प्रॉफिट मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन और लॉजिक। जिस लॉजिक पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसी पे कल भी करूँगा। जब कल मैंने लेक्चर लिया था तो मैंने आप लोगों को चार्ट भी दिखाया था, उस हिसाब से यहाँ पे हमारे को क्या करना है, ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। अब हमने क्या किया, सप्लाई एंड डिमांड को भी मार्क कर लिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी मार्क कर लिया, आवरली टाइम फ्रेम पे मार्क कर लिया हम लोगों ने, डेली टाइम फ्रेम पे मार्क कर लिया हम लोगों ने, फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हैं कि कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमारा एंट्री किस टाइम फ्रेम पे होगा, एंट्री हमारा होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब जब कभी भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाता है तो आपको फिर वहाँ से पुट का ट्रेड करना है, और जब कभी मार्केट सपोर्ट के पास आता है तो वहाँ पे आपको कॉल साइड का ट्रेड करना है। ये बोलने में तो बहुत आसानी होती है, बट इस पे जब हम रियल में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो बहुत टफ होती है। अब उसको आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे फॉलो करते हैं कन्फर्मेशन के लिए कि ठीक है सपोर्ट तो है ही यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सपोर्ट के साथ साथ हमारे को थोड़ा कन्फर्मेशन मिले, हमारे को अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉलो करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, कि एग्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और वो कैसे एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट जब वो फिबोनाची वाला हमारा लेक्चर होगा तब, अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना, चार्ट को ध्यान से देख लेना। अब आप यहाँ पे चार्ट को देखो, आपका एक प्रॉपर रेंज मिल चुका है। अब इस रेंज के बीच में आपको क्या करना, अगर मार्केट इसके बीच में रहेगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम शांति से बैठे रहो, कुछ करना ही नहीं है। ज़्यादा अगर आप कुछ उछलों के बीच में तो आपको लॉस होगा दोनों तरफ से, कॉल भी जाओगे तो भी लॉस होगा, पुट में जाओगे तो भी लॉस होगा, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ सेलर पैसा बनाएगा। आपका पैसा कब बनेगा, जब आपको कब प्रॉफिट होगा, जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाए तो यहाँ से आप पुट का ट्रेड करो। मैं आपको बोलता हूँ आँख बंद करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, और जब कभी भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाता है तो पुट का ट्रेड करो और स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। और इस चीज़ को आप 10 बार करो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की कि 10 बार में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 10 में 10 आपको लॉस होगा। 10 में से 5 बार लॉस होगा, 5 बार प्रॉफिट होगा। 10 में से 6 बार लॉस होगा, 4 बार प्रॉफिट होगा। 10 में से क्या होगा, 6 बार प्रॉफिट होगा, 4 बार लॉस होगा। ये आपको हमेशा होगा, लेकिन आपको ये चीज़ कब होगा, जब आप एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे पुट का ट्रेड करोगे तब। अब अगर वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा सपोर्ट के पास, तो यहाँ पे आप कॉल साइड का ट्रेड करो, ठीक है। आँख बंद करके कॉल को बाई करो, ठीक है। कॉल को जैसे आपने बाई किया, बस स्टॉप लॉस लगा के रखना। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो कैपिटल ही मार्केट खत्म कर देगा। अब बिना स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, फिर मार्केट नीचे जाया जा रहा, लॉस बढ़ाई जा रहे हो, तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको स्टॉप लॉस फॉलो करके चलना है सारे ट्रेड्स में। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है ना, वो आपका सबसे बड़ा टीचर है आपको सिखाने के लिए। अगर आपका लॉस बचाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका स्टॉप लॉस बचाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, विदाउट स्टॉप लॉस नो ट्रेड, ओके। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पे एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्क किया मैंने, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्क किया। अब हमारा लॉजिक क्या है कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे, यहाँ पे जाएगा तो हम पुट बाई करेंगे। और आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है कंसिस्टेंसी के साथ। 1-2-3 ट्रेड में लॉस हो गया, फिर लोग बंद कर देते हैं, अरे यार लॉस हो गया छोड़ दो, ऐसा नहीं होता काम। हमारे को किसी एक सेटअप को जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ एटलीस्ट 6 महीने तक यूज़ करना, तब जाकर हमारे को उसका रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव या निगेटिव, ओके। और अगर आप किसी एक चीज़ में 6 महीने 8 महीने नहीं दे सकते हो तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में आपको टाइम देना ही पड़ेगा। बिना टाइम दिए कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब मैक्सिमम लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि स्टॉक मार्केट में और आज से ही प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए, आता वाता कुछ नहीं है, कैंडल्स चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई मतलब नहीं है। लेकिन कॉल पुट समझ जाते हैं सबसे पहले लोग, कि कॉल से मार्केट ऊपर जाता, पुट से मार्केट नीचे जाता, और तुक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें पूरा कैपिटल ख़त्म कर लेते हैं। ना चार्ट देख रहे हैं, ना कुछ समझ रहे हैं, लेकिन तुक्का मार रहे हैं। वो सब चीज़ें हमें नहीं करना, ऐसे इसको प्रॉपर बिजनेस समझो। ऐसा नहीं होता, ये बहुत आसान चीज़ नहीं है। इतने करोड़ों लोग अगर कर रहे हैं तो करोड़ों लोगों से मतलब आपको पैसा कमाना है, तो आपको लोगों का जो माइंडसेट होना चाहिए ना, वो उस तरीके से होना चाहिए, इतना शार्प होना चाहिए, सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए।
तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब बहुत ज़्यादा ज़्यादा चीज़ भी यहाँ पे नहीं सीखना है, सिंपल रखना है पूरा का पूरा। मैं आपको पूरा सिंपल बेसिक बता रहा हूँ और इसी से आपको प्रॉफिट होगा, इसके अलावा कुछ मिलेगा। आज ही जितना प्रॉफिट हुआ 4,043 रुपये का, वो सब जो मैंने आपको शेयर किया वो सिंपल फिबोनाची और सपोर्ट रेजिस्टेंस से हुआ। चार्ट भी मैं आपको भेजा हूँ, अगर मैं आपको चार्ट भी भेज रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होता है। दिखाता हूँ एक सेकेंड, 1 मिनट। जब मैं आपको कोई चीज़ शेयर कर रहा हूँ तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट भेजा कितने रुपए का, 43, ठीक है, 4,377 का। तो इसके साथ साथ मैंने आपको क्या भेजा, लॉजिक भेजा। अब ये लॉजिक क्या था कि यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट था, यहाँ पे मेरा एग्जिट पॉइंट था। अब मैंने यहाँ पे क्यों एंट्री किया, लॉजिक क्या भाई यहाँ पे एंट्री करने का, तो यहाँ पे लॉजिक है गोल्डन जोन, ठीक है। लॉजिक क्या, गोल्डन जोन, आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना लॉजिक गोल्डन जोन। अब ये गोल्डन जोन क्या होता है, वो एक फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल होता है जो एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। वो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं है, बट मैं आपको जब फिबोनाची सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बट स्टिल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। जब आप यहाँ पे देखोगे, एक सेकेंड, ठीक है, इस चार्ट पे कोई भी चीज़ें नहीं था। चार्ट मैंने आपको भेजा, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल सा बॉटम से लेकर टॉप पे लगाया, यहाँ पे मार्केट इंटर किया 0.5 पे और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो एक्जैक्टली इसी लॉजिक पे ट्रेड में एंट्री किया, इसके अलावा तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस था, फिबोनाची का लेवल था और इसी से 4,000 का प्रॉफिट बना। और जो प्रॉफिट बनता है वो डेली बेसिस में आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। अब उसका वीडियो नहीं बना पाता हूँ डेली बेसिस पे क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता कि अब मैं सारे ट्रेड्स के वीडियो बनाऊँ, क्योंकि क्लासेस भी लेनी होती है, फिर इसको अपलोड करना होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रुप में हो तो आप देखते होगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आती होगी, नहीं हो तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। बट इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि सारी चीज़ों को सिंपल रखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है और उस पर कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करना है। इसके अलावा हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे, सिंपल ट्रेड करेंगे बस। इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस लगा के रखना, बिना स्टॉप लॉस का कोई ट्रेड नहीं करना। अब ये सेम लेवल आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट कर लो इस चार्ट का, कल जब मैं आपको चार्ट भेजूंगा कोई भी, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो गया, मान लो इसके ऊपर खुल गया या इसके नीचे खुल गया, तो हो सकता है फिर मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। बट अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है 49,058 से लेकर 49,600 के बीच में, तो फिर यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, यही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा और इसी पे मैं ट्रेड करूंगा कल भी। अब जो लॉस प्रॉफिट हो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा कल, और कल का क्लास जब लूंगा इवनिंग में तो वो मॉर्निंग का दिखा दूंगा कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ और क्या चार्ट था, क्या लॉजिक था, ओके। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगा कि आप लोग भी सिंपल चीज़ों सीखो और इसको ही आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। बस ये है कि जब कभी भी सपोर्ट के पास आए तो एक बुलिश कैंडल का इंतजार करना, फिर वहाँ पे आप ट्रेड बाई करना। अगर रेजिस्टेंस के पास जाता तो वहाँ पे एक बेरिश कैंडल का इंतजार करना, फिर वहाँ से आप क्या करना, नीचे का ट्रेड करना। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो डायरेक्टली वहाँ पे ट्रेड मत कर लेना। अब यहाँ पे देखोगे तो एक बेरिश कैंडल बना हैंगिंग मैन, फिर उसको इंगल्फ कर लिया, फिर यहाँ से हमारे को रेजिस्टेंस पे एक बेरिश कैंडल स्टिक दिख रहा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ क्या हुआ, फॉल कर गया। और अगर सपोर्ट के पास आ रहा है तो यहाँ पे हमारे को एक बुलिश कैंडल दिखेगा, फिर यहाँ से हम ऊपर का ट्रेड करेंगे, ओके। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने का, मैंने आपको 3 स्टेप में सिखाया। पहला, डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेक कर लो, ठीक है, उसके बाद उसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो। सेकंड चीज़, आवर्ली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो। थर्ड चीज़, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, उसको अच्छे से मार्क कर लो। और 5 मिनट पे चेंज करो चार्ट को और उसके हिसाब से ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करो बस। ये सिंपल सा प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ और आपको भी यही सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। इसके अलावा कोई भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको लगता है कि इससे भी बेटर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट है कि उसमें आपको 10 में से कम 5 ट्रेड में तो प्रॉफिट हो, ठीक है। अब अगर उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ उसमें आप गलती कर रहे हो, उस गलती को ढूंढो, निकालो और उसको सही करो, ठीक है। आई होप अभी आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं और कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के बाद हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, ओके। क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर, यस सर। आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालने का टाइम वो
विक भी कंसीडर करना है क्या, खाली वो कैंडल का बॉडी खाली कंसीडर करना है जी? आप कैंडल का हाई को कंसीडर करो और कैंडल के क्लोजिंग को कंसीडर करो, और उसके बीच में जो आपको जोन बन रहा है ना, वही आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन होगा। अगर आप बैंक निफ्टी के अभी एक चार्ट को देखोगे तो अभी आप यहाँ पे देखो, मैंने एक हाई को मार्क किया और उसके अलावा जो यहाँ पे नीचे एक छोटा सा नॉर्मल सा हाई बना, मैंने इसको मार्क किया। तो ये जो जोन बना इसी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। ओके, अब अगर हम नीचे आएंगे तो देखो, ये कैंडल के मैंने एकदम लो को मार्क किया और नीचे मैंने क्या किया, इस लेवल को मार्क किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो तोड़ के मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आ गया। तो यहाँ पे हमेशा एक जोन बनेगा सपोर्ट के पास और रेजिस्टेंस के पास, उस जोन को हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन बोलते हैं, और उसके हिसाब से आपको मार्क करके रखना है। कभी भी एक लाइन मार्क करके मत रखो, एक लाइन मार्क करने से बहुत दिक्कत होती है। क्या करो, एक कैंडल की क्या करो, हाई को मार्क करो, और उसके अलावा अगर आपको दिख रहा कोई ऐसा जगह जहाँ से मार्केट बार बार नीचे की तरफ आ रहा तो उसको मार्क कर दीजिए। और ये जो जोन बना इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड सप्लाई जोन या डिमांड जोन। ठीक है, अभी क्लियर है? हेलो सर, जी सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर दिन ड्रॉ करना होगा क्या जी? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप हर दिन ड्रॉ करो, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि मार्केट डेली बेसिस पे गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है। अगर गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है, आपके रेंज के अंदर खुल रहा है, तो आप उसको ही फॉलो करो। ओके सर, एक क्वेश्चन और है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से क्या ये पता किया जा सकता है कि मार्केट गैप अप में ओपन होगा, गैप डाउन में ओपन होगा? नहीं पता कर सकते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से सिर्फ। तो सर इसके लिए कोई अलग टेक्निक होती है या क्या होता है इसके लिए? सब मार्केट गैप अप और गैप डाउन जो होता है ना, हमेशा ग्लोबल मार्केट की वजह से होगा। तो ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको नस्डाक दिखेगा, डॉजन दिखेगा, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो हमारा इंडियन मार्केट भी गैप अप खुलेगा। और साथ में आप क्या कर सकते हो, गिफ्ट निफ्टी को देख सकते हो। मॉर्निंग में अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे, वो 6:30 बजे ओपन हो जाता है, तो अगर वो आपका पॉजिटिव है तो फिर आपका बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, वो पॉजिटिव खुलता है। ओके सर, थैंक यू सर। और ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी इस पे मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट डाउट क्या है सर? मार्केट खुलने के बाद कितना मिनट बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है मार्केट ओपन होने के बाद? मार्केट जैसे ओपन होगी आपको पता चल गया कि मार्केट कहाँ पे खुल रहा है, उसके हिसाब से आप रेजिस्टेंस मार्क कर लो। तो मार्केट जहाँ पे खुलेगा वो आपका करंट प्राइस होगा, उसके ऊपर आप रेजिस्टेंस मार्क करो, और जहाँ पे मार्केट खुला है वो आपका करंट प्राइस है, तो उसके नीचे आपका सपोर्ट होगा, आप उसको मार्क करो, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो, और उसके हिसाब से फिर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करो। ठीक है, एनी मैथ्स? वो जो बोले 6 बजे कौन सा मार्केट खुलता है, थोड़ा और एक बार बता देना। 6:30 बजे खुलता है, गिफ्ट निफ्टी ओपन हो जाता है। आप मनी कंट्रोल पे जाकर सर्च करना ग्लोबल मार्केट, वहाँ पे आपको नस्डाक मिलेगा, डॉजन मिलेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव खुलता है, हायर प्रोबेबिलिटी होती है। साथ साथ आप गिफ्ट निफ्टी, देखो मैं लाइव दिखा देता हूँ, छोड़ो। आप क्या करो, सबसे पहले जाना मनी कंट्रोल पे, ठीक है, मनी कंट्रोल यहाँ पे सर्च करना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा ग्लोबल मार्केट का, दिख रहा है जी? ग्लोबल मार्केट पे जाना। अब जैसे ग्लोबल मार्केट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा ग्लोबल का मार्केट दिखेगा, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। सबसे पहले टॉप पे दिखेगा आपको यूएस मार्केट। अब यूएस मार्केट आप देख रहे हो, हाँ यहाँ पे देखो यूएस मार्केट, जैसे हमारा इंडिया में कैसे होता है निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, वैसे वहाँ डॉ जोन होता है, नस्डाक होता है, S&P 500 होता है। डॉजन देखोगे तो वो थोड़ा सा डाउन है, मतलब फ्लैट है, उसको छोड़ दो। नस्डाक देखोगे तो 184 पॉइंट पॉजिटिव है, 1.10%। तो ये हमारे को एक इंडिकेट करता है कि ये एक बुलिश है, मतलब ऊपर है, तो हमारा इंडियन मार्केट भी गैप अप खुल सकता है। लेकिन इससे हम पूरा कन्फर्मेशन नहीं लेंगे। इसके अलावा हमारे को एशियन मार्केट में एक दिखता है गिफ्ट निफ्टी, ये अभी ना ऊपर है ना नीचे है, बिल्कुल फ्लैट है, मतलब जहाँ पे है वहीं पे। अगर ये आपका मॉर्निंग में 40-50 पॉइंट ग्रीन दिखता है तो इंडियन मार्केट गैप अप खुलेगा, नोट कर लो, याद रहेगा। अगर ये आपको 40-50 पॉइंट निगेटिव दिखता है तो इंडियन मार्केट गैप डाउन खुलता है। ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस करना, आपको पता चल जाएगा। ओके, क्लियर हुआ अभी? थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम। एनी मैथ फार्मूला फॉर फाइंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? कोई मैथ फार्मूला नहीं होता सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। हम यहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, और साथ साथ फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स को फॉलो करते हैं। अब वो फिबोनाची क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब हमारा पूरा बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएगी फिर। ओके, और कोई डाउट कि नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड? सर यस बोलिए अमित जी। सर मैं पूछ रहा था जो फिबोनाची के स्टार्टिंग के अंदर एक रिवर्स का टैप होती है, मतलब रिवर्स का ऑप्शन होता है, वो किस लिए यूज होता है?
फिबोनाची के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे आपको जब हम फिबोनाची समझेंगे तब। और अगर आपको इसका डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक बार भेज देना स्क्रीनशॉट करके, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा वहां पे, ठीक है। नहीं आप एक बार इसमें कहीं भी ड्रॉ करके उसमें देखना, सेटिंग में रिवर्स होता है एक लिखा हुआ। हाँ आप मुझे भेजना एक बार व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। रिवर्स का मतलब वही कि जो हमारे लेबल्स दिख रहे हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है, वही सेम एंड हाई एंड लो रहेगा और वो लेबल्स हमारे रिवर्स हो जाएंगे बस। हाँ उसमें उल्टे हो जाते हैं पर वो कुछ उसका स्पेशल यूज हो सकता है, उसका स्पेशल यूज कुछ भी नहीं है। नो ठीक है, अभी सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बताइए। सब लोगों को क्लियर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यस और नो? कोई डाउट इसमें किन्हीं का भी? एक एक करके बोलिए, एक बार में सब बोलेंगे तो मुझे क्लियर नहीं होगा। किन का डाउट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे? जब ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिया ना, अगला जो हमारा टॉपिक होगा ना वो कैंडलस्टिक्स का होगा, और कैंडलस्टिक्स के बाद हम सीखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। तो हम समझ जाएंगे कि कैसे ब्रेकआउट पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रॉपर टॉपिक ही है, तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। इसके अलावा और कोई डाउट सर? ये कॉपी ट्रेडिंग का है, कॉपी ट्रेडिंग वगैरह सब चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको क्लियर है? सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड किन्हीं का कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। जितने भी लोगों क्लास में, सब लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना अपने हिसाब से निफ्टी के चार्ट पे। मैंने अभी आपको सिखाया बैंक निफ्टी के चार्ट पे ना, निफ्टी के चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना कल के लिए, और मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे डालना, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने इसको सीखा और कितने लोगों का इस पे रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे नंबर दे देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे क्या करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके भेजना मुझे। डन सर, श्योर सर, ठीक है। कम से कम निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड फिन निफ्टी हो, सब पे क्या करो 9341309652, ठीक है। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना, तो मैं चेक करूंगा और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, और आप किस चीज़ को यहाँ पे किस किस चीज़ों को सही कर सकते हो। कोई भी उसमें मिस्टेक्स होगी तो आपको बताऊंगा, जिससे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने में इम्प्रूवमेंट हो। ओके ठीक है गाइस, तो आप लोग मेरे को भेज देना निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी पे कोई नहीं लगाएगा, निफ्टी के चार्ट पे, सेंसेक्स पे, मिड कैप पे, किसी स्टॉक्स में लगाकर मेरे को इस नंबर पे भेजो, मैं चेक करूंगा फिर मैं आपको बता दूंगा क्या सही है क्या गलत है। ओके हेलो, ओके सर, यस ठीक है।